हेलो दोस्तों, ये आज का मेरा क्वेश्चन पेपर के और डाउनलोड्स को लेकर कि कोई भी क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें, तो आपको सिंपली प्री कालिका नोट्स लिख के गूगल में सर्च करना है। ठीक है, यहाँ से जो पहला लिंक आएगा इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद सिंपली आप डाउनलोड्स में जाकर क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जैसे जो MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, मीन्स जो UG फाइनल ईयर में है, जैसे बहुत सारे BHU के कर रहे होंगे, CUCT के कर रहे होंगे, बहुत सारे जो होंगे अभी अपकमिंग जो IIT जेम के एग्जाम उसकी कर रहे होंगे, बहुत सारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी कर रहे होंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, तो वो लोग यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारे क्वेश्चन पेपर, और जो नहीं है वो हम अवेलेबल करवा देंगे। अगर अवेलेबल हो सका तो आप उसके लिए एक मेल हमें डाल दीजिएगा कि मुझे ये पार्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए। और मैं दूसरे लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन पेपर के कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर आपके पास अवेलेबल है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो हैं इन्होंने क्वेश्चन पेपर हमारे साथ शेयर किया हुआ है, मेरे अकेले काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब आइए आगे, जो MSc कर रहे हैं या MSc फाइनल ईयर में है या MSc पास आउट कर गए हैं और 6000 नेट की प्रिपरेशन करे, वो यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों ही आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसमें सारा PDF अवेलेबल है, आप एक क्लिक करिएगा और डायरेक्ट PDF डाउनलोड होगा। और इसमें अभी कुछ बचा हुआ है जो 2015 से लेके अभी 13 तक का, तो वो अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में। अब यहाँ पे इसमें जितना भी क्वेश्चन पेपर मेरे इस वेबसाइट पे सारा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे नेट का हो गया, CUCT का होगा, JNU का हो गया, ये सब है जो MSc फाइनल ईयर में है या फिर MSc कर रहे हैं, जो PhD एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग CSIR NET का करना चाहें यहाँ से, यहाँ तक का 2019 से 2011 तक का, वो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। CUCT का भी PDF कंपाइल्ड है, एक कंपाइल्ड वर्जन है, इसमें एक सैम्पल टेस्ट है, प्लस 2019 से 16 तक का क्वेश्चन पेपर है, कुछ के आंसर्स भी हैं उसमें, मतलब कुछ लगभग सभी पेपर्स के आंसर है। JNU का यहाँ क्वेश्चन पेपर है, उसी तरह IIT बॉम्बे का, AIT कानपुर, सब क्वेश्चन पेपर एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा, सब अवेलेबल हो चुका है, कंपाइल करना बस बाकी है। ये गेट का भी है, गेट का आगे का भी हमारे पास 2000 तक का क्वेश्चन आ गया, तो सबको कंपाइल करना है। तो आपको जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए ना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे आते हैं MSc से रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक काम मैं बोलूँगा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन हो तो आप इस ईमेल ID पे सेंड कर सकते हैं, ताकि हम दूसरों तक उसको पहुँचा सके, दूसरे को भी हेल्प मिल सके। और बस इसमें इतना ही है, या फिर अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ साइड में भी देखिएगा, साइड बार में है, यहाँ पे यहाँ से भी सारे क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी हर एक एग्जाम का अलग अलग जगह लिंक पड़ा हुआ है। सॉरी ये दूसरा खुल गया था, यहाँ पे ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर है MSc इंट्रेंस के लिए और PhD इंट्रेंस के लिए, वो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा हमारे पास लिस्ट है पूरा, और भी क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे जो बहुत सारे लोग भेज रहे हैं या फिर हमारे पास जो अवेलेबल हो गया जिसको कंपाइल करना बाकी है। यहाँ से जो UG में है या जो MSc की प्रिपरेशन करे, वो यहाँ से अपने लिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। एक और हमने आपके लिए किया हुआ कि आप इस वेबसाइट को अपने लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, जो दूसरे रीजन्स के हैं जिनको इस लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई गुजरात से है और वो गुजरात से पढ़ना चाहते हैं, आप इसको गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये देखिए पूरा वेबसाइट गुजराती में हो गया। ठीक है, तो इसको इस टाइप से हमने किया हुआ कि आप अपने लैंग्वेज में इसके साथ कंफर्टेबल रहें। इंग्लिश आ गया, ये देखिए ये गुजराती में पूरा होम पेज खुल गया, जो आप इसको अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई उड़ीसा से है तो उड़िया ये रहा। ठीक है, आप उड़िया में भी इसको कर सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हो गया कन्वर्ट। ठीक है, ये सारा उड़िया में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं यहाँ से आप क्लोज कर देंगे अगर वापस इंग्लिश करना चाहें तो। दूसरी यहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये रहा, यहाँ पर क्लिक करिएगा, इसमें सारे फ्री स्टडी मटेरियल हैं, इसका कोई चार्जेज नहीं है सर, या तो डोनेटेड हैं या फिर मेरे लिखे में जो क्लासरूम नोट्स हैं, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।